क्या आप जानते हैं लाइफ ब्लड क्या है? यह एक ऐसा वर्ड है जिसे अक्सर आप कॉन्वर्सेशन के दौरान सुन सकते हैं। वर्ड लाइफ ब्लड का मतलब होता है एन एसेंशियल थिंग या लाइफ गिविंग, यानी एक बहुत जरूरी चीज या जीवन दायिनी। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं कह सकता हूँ तेल अरब देशों के लिए लाइफ ब्लड है यानी जीवन दायिनी है या एक बहुत जरूरी चीज है, यानी अरब देशों के लिए तेल एक बहुत जरूरी चीज है जो उनको जीवन देती है। एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार न्यूज़पेपर का लाइफ ब्लड है, यानी अगर न्यूज़पेपर वालों को एडवर्टाइजिंग न मिले तो शायद न्यूज़पेपर का काम बंद हो जाए। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे हम यूट्यूबर के लिए एडवर्टाइजिंग लाइफ ब्लड है, यानी अगर वीडियो में एडवर्टाइजिंग आना बंद हो जाए तो फिर एक यूट्यूबर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। असम की चाय पत्ती असम के लिए लाइफ ब्लड है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की लाइफ ब्लड है, बनारसी साड़ी बनारस के लिए लाइफ ब्लड है, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के लिए लाइफ ब्लड है, यानी लाइफ गिविंग है, एक बहुत जरूरी चीज है। बरेली की नक्काशी या झुमका बरेली के लिए लाइफ ब्लड है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइफ ब्लड का मतलब समझा कि लाइफ ब्लड मतलब एन एसेंशियल थिंग या लाइफ गिविंग, यानी एक बहुत जरूरी चीज या एक ऐसी चीज जो जीवन देती है या जिंदगी देती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के लिए जीवन दायिनी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री इज द लाइफ ब्लड ऑफ मुंबई, यानी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई का जीवन दायिनी है या लाइफ गिविंग है। तेल अरब देशों के लिए जीवन दायिनी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑयल इज द लाइफ ब्लड ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी अरब देशों के लिए तेल जीवन दायिनी है। तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसा जीवन दायिनी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस, यानी तुम्हारी बिजनेस के लिए पैसा जीवन दायिनी है। प्रचार न्यूज़पेपर के लिए जीवन दायिनी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एडवर्टाइजिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइजिंग जीवन दायिनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि द लाइफ ब्लड क्या है, यानी कब आप बोलेंगे द लाइफ ब्लड। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।